हेलो दोस्तों, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा मकसद है इस बोर्ड का कनेक्शन करना, इस छोटे से वीडियो में आपको इस बोर्ड का कनेक्शन करना सिखा दूंगा। अगर ये वीडियो बच्चा भी देख रहा होगा ना, वह 5 मिनट के अंदर इस बोर्ड का कनेक्शन आसानी से कर देगा चुटकियों में। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस बोर्ड के अंदर एक फ्यूज लगा हुआ है, एक इंडिकेटर है, एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, 1 2 3 4 5 5 हमारे पास स्विच है। तो चलिए दोस्तों इनका कनेक्शन करते हैं। यह हमारी बाहर वाली सप्लाई है फेस और न्यूट्रल। रेड वाला हमारा फेस है, ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल है। एक बार के लिए इस फेस को छोड़ देते हैं और जो हमारा न्यूट्रल है उसे हम डायरेक्ट उपकरणों में देंगे और फेस है उसे हम स्विच के जरिए से देंगे। इस बोर्ड के अंदर उपकरण हमारे पास एक इंडिकेटर है, एक 2 पिन सॉकेट है, एक 5 पिन सॉकेट है। तो चलिए दोस्तों इनको हम न्यूट्रल डायरेक्ट देंगे। तो हमने न्यूट्रल इसके अंदर डायरेक्ट दे दिया है। इसके बाद जो हमारा फेस है उसे हम डायरेक्ट फ्यूज में देंगे, इस फ्यूज से इन 5 स्विचों में देंगे और इस इंडिकेटर में भी हम डायरेक्ट फेस देंगे। इस फ्यूज का क्या कार्य है, जब हाई वोल्टेज इस बोर्ड के अंदर आते हैं तो इस बोर्ड के अंदर लगे स्विच, 5 पिन सॉकेट, इंडिकेटर इनकी सेफ्टी करता है, इनको जलने से रोकता है। तो चलिए दोस्तों फेस डायरेक्ट देते हैं इस फ्यूज में। अब इस इंडिकेटर को हम यहाँ से भी दे सकते हैं फेस, यहाँ से भी दे सकते हैं, इन स्विचों से भी दे सकते हैं, मैं यहाँ से दे रहा हूँ। अब हमने इनमें फेस और न्यूट्रल दे दिया है। अब इस 5 पिन सॉकेट को मैं इस स्विच से कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो इसके साथ ये एक वायर कनेक्ट कर दूंगा और इस 2 पिन सॉकेट को इस स्विच से कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो इसको भी इसी प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए अब इस स्विच को मैं इसके साथ कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो इसको मैं इस प्रकार से कनेक्ट कर दूंगा। इसका देखिए ये खाली है ऊपर वाला और इसका ये साइड वाला ये खाली है, तो इसमें फेज में इस प्रकार से पहुँचा दूंगा। मैंने इसके अंदर फेज स्विच के जरिए से पहुँचा दिया है। अब यह जो 2 पिन सॉकेट है इसको मैं इस स्विच से कंट्रोल करूँगा, इसको भी इसी प्रकार से कर दूंगा। इसका देखिए ये एक खाली है और इसका भी ये एक खाली है। तो देखिए ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, मैंने इसके अंदर फेस और न्यूट्रल दे दिया है। और अब हमारे पास ये 3 स्विच और है, 1 2 ये 3, इनको भी आप इसी प्रकार से कनेक्शन कर सकते हो, जैसे बल्ब का हो गया, फैन का हो गया, इस प्रकार से कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर सप्लाई दूंगा। देखिए इसके अंदर सप्लाई आ गई है, देख सकते हैं आप। अब इस फ्यूज को मैं बाहर निकाल के इसकी सप्लाई चली जाएगी, देखिए डालते ही सप्लाई आ जाएगी।